फ्री कॉल्स बोलो फ्री कॉल्स भैया, अभी तक बाकी ऑपरेटर इनकमिंग कॉल्स का पैसा ले रहे थे, लेकिन जियो एक मसीहा की तरह बैठा हुआ था और बोल रहा था हम आपको इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ फ्री देंगे। और आज प्रेस रिलीज हो गई है कि भैया जियो भी अब आउटगोइंग कॉल्स के पैसे लेगा। सो भैया जियो का कहना यह है कि अभी तक हम जो आपको फ्री कॉलिंग देते थे वो इसलिए देते थे क्योंकि हम अभी नए नए आए थे मार्केट में और उसके बाद हम आपको सब कुछ फ्री देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे एक फंडा आता है आईयूसी चार्जेस का, जिसको बोला जाता है इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्जेस। ये चार्ज ना तो ऑपरेटर ने लगाया है ना ही किसी दूसरी कंपनी ने लगाया, ये ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगाया और ये आज नहीं लगाया, ये बरसों से चला आ रहा है, जब से जियो नहीं था उसके पहले भी चला आ रहा था। तो हो क्या रहा था कि अगर आप जियो से और किसी नेटवर्क पे कॉल करते हो या एयरटेल से और किसी नेटवर्क पे कॉल करते हो, यानी कि जो भी नेटवर्क से आप कॉल कर रहे हो अगर उसके नेटवर्क में कॉल नहीं कर रहे हो, उसके अलावा और कहीं पे कॉल कर रहे हो, तो आपको 6 पैसे पर मिनट उस ऑपरेटर को देना पड़ता है। यानी कि अगर आज भी आप जियो से कॉल करते हो एयरटेल में तो जियो आपका जो फ्री कॉल आपको तो दे रहा है, लेकिन वो 6 पैसे हर मिनट का एयरटेल को दे रहा है। ऐसे ही अगर आप एयरटेल और आइडिया से कॉल करते हो जियो में तो जियो को भी इनकमिंग कॉल्स का पैसा मिलता है 6 पैसे पर मिनट। ये कि ट्राई ने लगाया था, पहले ये 14 पैसे था उसके बाद 6 पैसे हो गया, और ट्राई ये बोल रहा था कि इसको जीरो कर देंगे 1st of January 2020 से। तो जियो ने सोचा नए नए लोग आए हैं यार मार्केट में, नया ऑपरेटर है तो क्यों ना सब कुछ अभी फ्री दे दो, 2020 तक अपन जो है जो भी लॉस हो रहा है वो झेल लेंगे। तो अब ट्राई ये कह रहा है हम इस पे वापस से विचार करेंगे, क्योंकि एयरटेल वोडाफोन बाकी ऑपरेटर ये बोल रहे हैं कि हमारी मेन इनकम वहीं से हो रही है, अब आप एक कॉल कनेक्ट कर रहे हो तो हमको कुछ तो पैसा दो, हमने अगर कहीं सब दूर हम फ्री देंगे तो हमको पैसा कैसे मिलेगा। तो एयरटेल आइडिया के ऊपर ज्यादा कॉल्स जाते हैं जियो से, क्योंकि बहुत लोग आज भी 2G यूज कर रहे हैं, तो 2G वाले लोग पहले मिस कॉल करते हैं जियो पे और फिर जियो वाला इंसान वापस से कॉल करता है। तो यहाँ पे इन्हें सब कुछ लिखा हुआ है कि हमको इतने करोड़ मिस कॉल आते हैं पर डे के, ये सारी चीजें। तो घुमा फिरा के जियो का कहना ये है, हमने इतने दिनों में नेट 13,000 करोड़ रुपए ऑपरेटरों को दिया है आईयूसी चार्जेस के नाम पे। अब अगर ट्राई ये नहीं हटाता है तो हमारी मजबूरी है कि हमको 6 पैसे पर मिनट के आपको लेके सीधा का सीधा वो पैसा हम ऑपरेटर को देंगे, जियो अपने पास ये नहीं रखेगा, ऐसा जियो का कहना है। अब देखो चीज ये है कि जब जियो आया था तो सब कुछ पूरी तबाही मचा दी थी, सब कुछ फ्री में मिलेगा, इनकमिंग आउटगोइंग डेटा ये वो, तो बाकी ऑपरेटर भी उसके हिसाब से अपने प्लान्स मैच करने लगे। तो जो भी पैक अभी जियो के चल रहे हैं, जिस भी रुपए में जितने भी डेटा आपको मिलता है, जो भी चीजें मिलती हैं, ये सब तो चलाना ही है। इसके साथ इनने प्लान्स बना दिए हैं अलग अलग तरीके के, जैसे अगर आप 10 रुपए का प्लान का टॉपअप करोगे तो आपको 124 मिनट जो है आईयूसी चार्जेस मिल जाएंगे। और यहां पर जियो ने बोल दिया कि हम डेटा अभी भी हमारे पास फ्री है तो क्यों ना हम डेटा फ्री ही दे दें। तो 10 रुपए का रिचार्ज कराओगे तो 124 मिनट मिल जाएंगे, उसमें 1 GB का डेटा एडिशन दे रहे हैं आपको लुभाने के लिए कि आप 10 रुपए में ये सोचो कि मैंने डेटा खरीदा, आप मिनट्स ना देखो। तो घुमा फिरा के ये चीज हो गई है। अब जियो का कहना ये है कि ये परमानेंट नहीं है, जब तक आईयूसी चार्ज नहीं हटता है ट्राई के थ्रू तब तक हम ये लेंगे और ये सीधा सीधा देंगे, अब हम लॉस बेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमको आगे 5G में इन्वेस्ट करना है, ये करना है वो करना है, मतलब घुमा फिरा के बोले तो इन्वेस्टमेंट पूरा हो गया है, प्रॉफिट की तरफ आ गए, तो ये सोच रहे हैं हम नेगेटिव क्यों जाए, हम भले ही न्यूट्रल चले जाएंगे बट नेगेटिव नहीं जाएंगे जो अभी तक जा रहे थे। तो इस वजह से 6 पैसे पर मिनट कल से आपको जियो से अगर आप कॉल करते हो जियो के अलावा किसी को तो आपको पैसा देना ही देना है। लेकिन ये ऑपरेटर अपने लेवल पर नहीं कर रहा है, जियो ने ये कदम उठाया क्योंकि ट्राई ने ये चार्ज लगा के रखा था, जब से जियो आया था तब से था, लेकिन जियो सोच रहा था कि हट जाएगा तो हम थोड़ा बहुत लॉस बेयर कर लेते हैं उसके बाद हमारा नाम हो जाएगा, लेकिन अब जब ये चार्ज नहीं हट रहा है तो जियो वापस वही चीज में आ गया कि अब हमको पैसा देना है तो आपसे हम लेंगे हम देंगे हम लॉस में नहीं जाएंगे। तो अब जो चीज प्रॉफिट पे होती थी अब वही चीज हो गई है, ये लोग अब न्यूट्रल चलेंगे, अब जो पैसा जिसको देना है आईयूसी चार्ज के नाम पे वो जियो आपसे लेगा और सीधा सीधा देगा। तो अगर आपके पास जियो की सिम है आज की तारीख में तो आपको 6 पैसे पर मिनट देने पड़ेंगे अगर आप जियो के अलावा कहीं पे बात करते हैं। हो सकता है कल को एयरटेल आइडिया बीएसएनएल ये लोग भी यही चीज कर दें, क्योंकि ये तो यही चाहते हैं कि जो जियो करेगा उतना तो हम दें, उससे नीचे तो वैसे ही वो दे नहीं सकते। तो घुमा फिरा के बोल सकते हो शायद कल ये हो सके कि एयरटेल भी बोल दे भैया आईयूसी चार्ज तो हमको भी देना पड़ता है तो हम भी आपसे लेंगे, आइडिया भी बोल देगा बीएसएनएल भी बोल देगा। तो भैया घुमा हम ट्राई के पास जाएं और ट्राई को बोले मेल करें ट्राई को कि बस आईयूसी चार्जेस हटा दो, तो हो सकता है जियो इस 6 पैसे को हटा दे, ये हटाएगा तो फिर वापस से जैसी चीजें चल रही थी वैसी ही चलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रातों रात 6 पैसे पर मिनट लगाया है जियो ने, तो रातों रात ही एक रूल बन गया। ये रूल जिस दिन से जियो नहीं आया था उस दिन से चल रहा था, आपको चार्जेस देने थे, तो जियो अपने लेवल पे इसलिए दे रहा था, उसको लग रहा था कि कभी ना कभी जाके खत्म होगा, अभी मेरा नाम हो जाएगा। तो भैया अब तो जियो का नाम हो गया है तो अब वो अपनी जेब से पैसा नहीं लगाएगा, अब उसको भैया कमाने की बारी आ गई, कल को अगर डेटा महंगा होगा तो ये कर देगा, ये करेगा तो बाकी भी करेंगे। तो घुमा फिरा के मोनोपोली तो स्टार्ट हो चुकी है बॉस, जो ये करेगा वो बाकी करेंगे, बाकी करेंगे तो ये करेगा, घूम फिर के लॉस हमारा।
रहा है, तो भैया सिंपल सा था, डेटा यूज करो, डेटा से वीडियो कॉलिंग करो, वॉइस कॉलिंग करो, क्योंकि डायरेक्टली कॉल टू कॉल करोगे तो भैया यहाँ पे मिनट पे आपको पैसा लगने वाला है। तो अनलिमिटेड में आउटगोइंग कॉल दे रहे हैं, तो आज के आज पोर्ट करा लो जियो से आइडिया में एयरटेल में। लेकिन ये चीज देख लेना, कल को आइडिया एयरटेल भी ये चीज कर देगा, क्योंकि अगर मैं आइडिया एयरटेल होता तो मैं तो यही सोचता ना, जियो ने 6 पैसे लगाए तो भाई मेरे भी तो लग रहे हैं 6 पैसे, मैं भी लूंगा। तो सब लोग